सो पैम्पर प्योर प्रोटेक्शन में आपको ऐसा डायपर मिलता है, लाइट पिंक कलर का है, सॉफ्ट है, नीचे से ओपन कर सकते हो आप, एंटी कॉलिक बॉटल है। तो इसे आपको सिंपली आपके निपल्स के ऊपर इसे लगाना होता है। बेबी हग ब्रांड का ओपल 3-in-1 रॉकर, ये है पाउडर पफ बॉक्स, ये न्यूबॉर्न डायपर है, बड़ा कॉम्बो ही ले लिया कि भाई शॉर्टेज नहीं जानी चाहिए। एंड फाइनली मुझे firstcry.com पे मिला, तो बहुत इजीली आप इससे बॉटल क्लीन कर सकते हो। हाय एवरीवन, आई एम अभय एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं भी अभी रिकवरिंग मोड में हूँ और पहले से काफी बेटर फील कर रही हूँ। सो आई रिसेंटली डिलीवर्ड अ प्यारी सी क्यूट सी बेबी गर्ल एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेस मुझे सेंड करी। सो आज का जो ये वीडियो है, इट इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्राई न्यू बॉर्न बेबी शॉपिंग हॉल। मैंने बहुत सारी चीजें अभी रिसेंटली ही परचेज करी, जैसे मैंने डिलीवर किया बेबी को, एकदम सडन डिलीवरी थी मेरी, तो पहले से मैं प्लान नहीं कर पाई, तो डिलीवरी के बाद ही मैंने ये सारी चीजें फटाफट से ऑर्डर करी फर्स्ट क्राई से और इमिडिएटली मुझे सारी चीजें रिसीव भी हो गई, जिसका हॉल वीडियो मैं अब आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपकमिंग डेज में आने वाली है, मैंने और भी बहुत कुछ परचेज किया है जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी वीडियोस एंड ब्लॉग्स में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। आई एम श्योर कि आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर किया होगा, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स, वहां पर बहुत सारी प्यारी प्यारी सी हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रील्स हम शेयर करते रहते हैं। तो चलो मैं दिखाते हूँ आज का हॉल, शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो ऑलरेडी आप लोगों ने कई बार पूछ लिया अभी रिसेंट वाले ब्लॉग में कि दी ये क्रेडल आपने कहाँ से लिया, ये कॉट आपने कहां से ली। सो दिस इज अ कॉट, काफी बड़ा सा बॉक्स है, मैं नहीं दिख रही हूँ, बॉक्स दिख रहा है, आई एम ट्राइंग टू शो यू। ये है बेबी हग ब्रांड का ओपल 3-in-1 रॉकर, दिस इज बेसिकली अ रॉकर जिसे हमने अपनी बेबी गर्ल के लिए परचेज किया है। और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट हमें लगा जब हमने परचेज किया था, तो हमें सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा ये यूज़ आने वाला, बट एक्चुअली ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए एकदम मस्ट हैव वाला प्रोडक्ट है। सो इसे आप नॉर्मल जो बेसिनेट होता है, नॉर्मल जो क्रेडल होता है, उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्विंग करता है, मूव करता है और बैटरी ऑपरेटेड है इसमें, मतलब बैटरीज लगाई हुई हैं, तो ये म्यूजिक भी इसमें बजता है। ऑल्सो इसमें वाइब्रेशन मोड भी है जो आप तो ऑन कर सकते हैं एज यू विश। तो हम सिर्फ म्यूजिक ही ऑन करते हैं, इसका वाइब्रेशन हम यूज नहीं कर रहे हैं। और ये मैन्युअली स्विंग करता है, अपने आप स्विंग नहीं करता, मतलब आप हल्का सा ऐसे करोगे तो ये पूरा जो कॉट है, जो रॉकर है, या फिर आप क्रेडल बोल सकते हो, ये अपने आप ही स्विंग करता है। बच्चा बहुत अच्छे से इसके अंदर रहता है, कंफर्टेबल कुशन एंड पैडिंग इसमें यूज़ हुई है। जो इसका कवर है वो रिमूवेबल है, आप इसे वॉश भी कर सकते हो। इसमें आपको ऊपर से नेट भी मिलती है, मॉस्किटो नेट का प्रोटेक्शन भी मिलता है, हैंग भी कर सकते हो, उठा सकते हो, इसमें कैंडल भी दिया हुआ है। ऑल्सो इसमें आप जो बेबी के टॉयज होते हैं ना, वो भी हैंग कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी ब्लॉग्स वगैरह में। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसे आप 3 डिफरेंट पोजिशन पर मूव कर सकते हो, इसकी सीट को रिक्लाइन कर सकते हो। क्यूट तो है ही, लुक वाइज भी काफी अच्छा है, एंड आई एम श्योर योर बेबी गोइंग टू लव दिस वन। तो इसका जो भी प्राइस डिटेल वगैरह है, परचेज डिटेल आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया फर्स्ट क्राई से, ये 5 रोम्पर्स का कॉम्बो है बेबी गर्ल के लिए, बेबी ओए ब्रांड से है। और इसमें आपको इस तरह के प्रिंट मिलते हैं, बेबी ओए का जो फैब्रिक है वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली हमने एक इनर वेयर परचेज किया था इसका, देन आई रियलाइज कि नहीं एक्चुअली इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, सो हमने इसमें और भी कपड़ों में इन्वेस्ट किया। लाइट पिंक कलर का है, सॉफ्ट है, नीचे से ओपन कर सकते हो आप, नीचे से ओपन करने वाले जितने भी बंजेस रोम्पर्स होते हैं काफी हेल्पफुल होते हैं, डू इन्वेस्ट इन देम। एंड सेकेंड वाला ये वाला है, इस पे गर्ल डायनासोर बनी हुई है, मतलब बहुत ही क्यूट प्रिंट्स दिए हुए हैं। 1, 2, 3 है ये वाला, 3rd है ये वाला, 4th है ये वाला, बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर्स है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन थे, तो आप कोई भी परचेज कर सकते। 5th है ये वाला, और बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन इस पे यूज हुआ है, तो सारे तरह के कलर इसमें आ चुके हैं। इसका प्राइस भी काफी अफोर्डेबल था और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है फर्स्ट क्राई पे, तो आप डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप फर्स्ट क्राई क्लब मेंबर हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है, जो कि हमें भी मिला है। नेक्स्ट है जो बेबी के लिए एकदम मस्ट हैव प्रोडक्ट होता है, वो होता है एक सॉफ्ट वाली बेबी टॉल, जो कि ये वाली है। मैंने आपको बेबी शॉपिंग हॉल में एक टॉवल दिखाई थी मिमी ब्रांड की, जो मैंने पिंक कलर की ली थी, और मैंने एक और टॉवल परचेज करी है फर्स्ट क्राई से। मतलब ये टॉवल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बहुत अच्छी है। और अभी बेबी के लिए क्या मॉनसून का टाइम है, तो एक टॉवल में काम नहीं चलता है, वॉश करो तो सूखती नहीं, और बच्चे के कपड़े आपको
फटाफट से वॉश करके सुखा करके रखने होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक और टॉवल में इन्वेस्ट किया है। इसका फैब्रिक तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, स्मूथ है, अच्छी बड़ी टॉवल है, तो आप आगे भी इस टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट ऐसा नहीं है कि वो निकल जाएगा, काफ़ी लाइट प्रिंट है और फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा है। सर नेक्स्ट मैंने परचेज किया है, ये 3 इनर का कॉम्बो है, स्पैगेटीज हैं बेबी गर्ल के लिए। बेबी हग ब्रांड से ही है और बेबी हग ब्रांड के भी कपड़े बच्चों के काफ़ी अच्छे होते हैं और मैंने तीनों ले लिए हैं। तो इस तरह से भी आप चीज़ें ले सकते हैं। और आपको मैंने बताया ही था, मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े चीकू के लिए नहीं परचेज किए हैं जब मैं डिलीवर करने वाली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे कपड़े ऑलरेडी अनिका के रखे हुए हैं जो कि काम आ जाएंगे, जो कि काम आ रहे हैं एक्चुअली। एंड जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है, कपड़े सूख ही नहीं रहे, हम कितना भी ट्राई कर रहे हैं बारिश हो ही रही है, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ों में भी इन्वेस्ट करना पड़ा। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लिया है, फिलिप्स एवन की ये एंटी कॉलिक बॉटल है। ये बिल्कुल न्यू है बट मैंने पैकेजिंग रिमूव कर दी क्योंकि इनिशियल डेज में हम इस बॉटल को यूज़ कर रहे थे, एक्चुअली बॉटल से ज़्यादा हम इसका निप्पल यूज़ कर रहे थे बेबी को फीड कराने के लिए, क्योंकि मुझे ब्रेस्ट मिल्क आया ही नहीं था, मैंने आपको बताया था, और इनिशियल डेज में बच्चे को हमें टॉप फीड देना ही पड़ा, तो वहाँ पर इस बॉटल ने हमें बहुत हेल्प किया। और इसके साथ ही ये पैक ऑफ 2 एंटी कॉलिक बॉटल्स का निप्पल भी है जो कि डबल फ्लो वाला निप्पल है, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए होता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, नेचुरल फ्लो देता है, जो बच्चों को पेट दर्द वगैरह वाली प्रॉब्लम हो जाती है ना बॉटल फीड कराने के बाद, वो इसके साथ नहीं होती है। टच वुड ऐसा अभी तक हमारे साथ नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट मैंने जो इसेंशियल चीज़ है वो है एक निप्पल शील्ड। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे ये परचेज करना चाहिए एंड फाइनली आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस आल्सो, तो ये काफ़ी अच्छा रहा। ऑल दो मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया, ले तो लिया था, सैनिटाइज करके रख भी दिया, बट इसका यूज़ अभी तक हो नहीं पाया है। सो ये देखो आप इस तरीके से देख सकते हो, ये होती है निप्पल शील्ड। मैंने इसे लास्ट टाइम नहीं यूज़ किया था, इस बार ही परचेज किया है, मैं इसे ट्राई करूँगी और मुझे ऐसा लगता है मुझे इसे यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसे आपको सिंपली आपके निप्पल्स के ऊपर इसे लगाना होता है और जब बच्चा सक करता है ना तो बहुत ही ज़्यादा वो प्रेस करके सक करता है, मिल्क लेने की कोशिश करता है, और इसके जो गम्स होते हैं ना वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उससे आपको निप्पल पे हर्ट भी हो सकता है, तो वहाँ पर ये निप्पल शील्ड बहुत काम आती है। अब मैं भी इसे ट्राई करूंगी और देखती हूँ कि मुझे इसका कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला। सो इसे आप नॉर्मली स्टरलाइज कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, नॉर्मली आप इसे यूज़ भी कर सकते हो। एंड आई गेस दिस इज अ न्यू मॉमी मस्ट हैव, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये बॉटल ऑर्गेनाइजर और यू कैन से बॉटल ड्राइंग स्टैंड है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बेबी हग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम होता है अगर आप बॉटल यूज कर रहे हो बच्चे के लिए, या फिर आप ब्रेस्ट पंप एंड एक्सेसरीज वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो उसे स्टरलाइज करने के बाद, वॉश करने के बाद, ड्राई करने के लिए बहुत काम आता है। इस तरह की पैकिंग में ये रिसीव होता है। इस तरीके का है ये बॉटल ड्राइंग स्टैंड, इसे मैंने 2 परचेज किया है क्योंकि मुझे पता है इतनी सारी चीजें होती हैं ना और वो एक ही रैक में नहीं आ पाती हैं, तो ये सारी एक्सेसरीज इस पे अच्छे से हैंग हो जाती हैं। यहाँ पर सब कुछ ऐसा रख दो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाती है, मतलब घंटों सुखाने की जरूरत नहीं है, पोंछने की जरूरत नहीं है, और आप इस पे ही हैंग करके आपकी चीजों को ड्राई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मैंने परचेज किया है बेबी हग ब्रांड का ही ये बॉटल क्लीनिंग ब्रश है। ये वाला ब्रश मैंने इस बार लिया है, ये सिलिकॉन ब्रिसल्स इस पे दिए हुए हैं। ये काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे क्योंकि अभी मैं यूज कर रही हूँ। इस तरीके का ये ब्रश है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, इसके जो ये ब्रशेस दिए हुए हैं एंड होल्ड करने के लिए यहाँ पर ये ग्रिप काफी अच्छी बनाई हुई है, बहुत इजीली आप इससे बॉटल क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलता है एक निप्पल क्लीनर ब्रश भी, इसकी हेल्प से आप निप्पल्स को, फिर इसकी जो एजेस वगैरह होती है, बॉटल की एजेस होती है, निप्पल की एजेस होती है, बाहर से आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है बेबी हग ब्रांड का है ये पाउडर पफ है, वैसे अभी इसका यूज नहीं हो रहा है। ये बॉक्स मैंने लिया है पाउडर कैरी करने के लिए, रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, बच्चे के जो पाउडर होते हैं। इनिशियल डेज में पाउडर बिल्कुल अलाउड नहीं होता है बेबी को यूज़ करने के लिए, रीज़न मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। एंड अभी फिलहाल ये बॉक्स दिखाते हैं, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा बॉक्स है। सो ये है पाउडर पफ बॉक्स, पाउडर स्टोरेज बॉक्स है, एंड इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। अंदर आपको मिलता है ये पफ, बहुत ही अच्छा है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर इसका जो ग्रिप बनाया हुआ है होल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी स्पेशल सा ढेर सारा पाउडर इसमें आ जाएगा और बहुत इजीली आप इसे ऐसे करके बच्चों को लगा सकते हैं। लाइट वेट भी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको ब्लू एंड येलो कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद मैंने परचेज किया है हिमालय ब्रांड का ये बेबी वाइप्स का कॉम्बो है। 4 पैकेट्स मिलते हैं इस वाले कॉम्बो में आपको, ये पूरा कॉम्बो ही मैंने उठा लिया क्योंकि बेबी वाइप्स की अभी इतनी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है एवरीवेयर। एक्चुअली मैं यूज़ करती थी मामा अर्थ का बैम्बू वाइप्स,
बट वो काफी दिन से आउट ऑफ स्टॉक ही जा रहा है, आ ही नहीं रहा है स्टॉक में। एंड नेक्स्ट मुझे हिमालय का जो बेबी वाइप्स है काफी पसंद आया था, मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाया, तो मैंने ये पूरा बड़ा कॉम्बो ही ले लिया कि वाइप्स शॉर्टेज नहीं जानी चाहिए। आपको इस तरीके के चार पैक मिल जाते हैं। वाइप के साथ ही मैंने परचेज किया है डायपर्स भी। ये वाला मैंने परचेज किया है अगीज ब्रांड का। एक्चुअली जब मैंने डिलीवर किया तो चीको को हॉस्पिटल से ये वाले ही डायपर्स मिले थे, तो मुझे काफी अच्छा लगा ये डायपर, तो मैंने इसका बड़ा पैक ले लिया। ऑल्सो इसी के साथ में मैंने लिया है पैम्पर्स का प्योर डायपर, ये लेटेस्ट लॉन्च था, कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, तो मैं एक्चुअली इसे ट्राई करना चाहती थी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी सारे डायपर्स से, लेकिन मैं एक पैक इसका ट्राई करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कैसा है। अब देखती हूँ, यूज करती हूँ और बताऊंगी आपको कि अगर आप कुछ प्रीमियम डायपर्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वाला आप ले सकते हैं। सो ये जो हगीज वाला डायपर है ये कुछ ऐसा होता है, इसमें टेप स्टाइल डायपर में मैंने इन्वेस्ट किया है। न्यूबॉर्न के लिए टेप स्टाइल वाले डायपर ही अच्छे होते हैं। साइड में आपको इलास्टिकल एजेस भी मिल जाती हैं, डिटेल मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। सो पैम्पर प्योर प्रोटेक्शन में आपको ऐसा डायपर मिलता है, ये थोड़ा सा बड़ा है उस डायपर के कंपैरिजन में, पैम्पर के डायपर थोड़े से बड़े होते हैं। ये भी टेप स्टाइल डायपर है, इसमें कुछ इस तरीके की डिजाइन बनाई हुई है, सामने आपको नेवल कट प्रोटेक्शन भी मिलता है। अंदर जो लेयरिंग यूज हुई है वो काफी अच्छी और सॉफ्ट दिख रही है मुझे, यूज करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी कि एक्चुअली ये वाला डायपर कैसा रहा। इसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग है, एक मेरा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो कि अभी मैं यूज कर रही हूँ। प्रेगनेंसी के बिल्कुल लास्ट मंथ से मैंने स्टार्ट किया था इसे यूज करना, और अभी क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ बेबी को, तो मुझे काफी नीड लगती है इस सप्लीमेंट की, और ये डॉक्टर रिकमेंडेड भी है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये रिकमेंडेड था और अभी भी, तो मैं इसे यूज कर रही हूँ और ये काफी ज्यादा अच्छा है। सो एक्चुअली ये मुझे बाहर स्टोर पर, एक मेडिकल स्टोर जो होते हैं वहां पर नहीं मिल रहा था, मैंने ऑनलाइन भी बहुत सर्च किया एंड फाइनली मुझे firstcry.com पे मिला। तो आई मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट क्राई पे आपको सारी मदर एंड बेबी से रिलेटेड चीजें मिल जाती है, सारे स्टफ मिल जाते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से सारी चीजें परचेज कर सकते हैं, वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सारे के सारे जेन्युइन प्रोडक्ट, कोई फेक या फिर पायरेसी वाली चीज नहीं मिलती है यहाँ पर, क्योंकि मैं काफी टाइम से फर्स्ट क्राई के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, बहुत ही फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करती हूँ। सो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ मेरे चीजों के लिए भी और मेरी बेबी की चीजों के लिए भी। इन सारे प्रोडक्ट की परचेज डिटेल भी आपको मिल जाएंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अपकमिंग डेज में मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाने वाली हूँ, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में और हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज मुझे बताना मत भूलिएगा। पसंद आया है वीडियो तो क्या करना है आपको, प्लीज लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।